मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylist.com पार्टी में मजा आ गया जब उर्मिला मुझसे जेल में मिलने आई थी ना तो मैं बोला था उससे कि हमारा उल्लास मुझे आजाद करेगा और देखो मैं आजाद हो गया ना चाबी थी गाड़ी की मैं गाड़ी चलाऊंगा आज गाड़ी मैं चलाऊंगा जान आजाद तो मैं हो गया कुत्ते तुझे जेल से छुड़ाने का सिर्फ एक मकसद था उर्मिला का भरोसा जीतना क्योंकि भरोसे का रास्ता सीधा दिल तक जाता है ए, ए, पप्पू भाई को मारा रहे सुलेमान गैंग के लोग रहे पप्पू तू गैंग वॉर में मारा गया रे पप्पू उर्मिला मेरी है पकड़ो रे अरे पकड़ो रे अरे पकड़ो पप्पू को मार दिया रे एक दोस्त कोई मुस्सा रुस्वा ना हुआ होगा दुश्मन के भी दुश्मन पर ऐसा ना हुआ होगा मीर साहब का यह शेर यहां एकदम सटीक बैठता है मंगेश वाघमारे रम्या नावेकर शमशेर भोपाली कल्लन निसार ये पाशा कंपनी के वो तमाम शार्प शूटर्स थे जिन्हें मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर किया लेकिन हर बार किसी फौज के सिपाहियों की तरह ही इन शार्प शूटर्स की गिनती कभी कम ना हुई पुराने गए तो नए आ गए आज जिनकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो भी इस नई भर्ती का हिस्सा थे उल्हास पप्पू और रवि पप्पू की बीवी उर्मिला का दिल जीतने उसे पाने की चाहत में उल्हास ने अपने दोस्त पप्पू को ही रास्ते से हटा दिया पप्पू की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उल्हास और उर्मिला के बीच छिपी हवस के शोले दोबारा सुलगने लगे ए चिंगम तू वो पटाका है जो अंडरवर्ल्ड में धमाका करेगा और इस पटाके को आग अब पुल लगाएगा पहले पानी में आग लगाए मेरी चिंगम जो
मोहब्बत उल्लास और उर्मिला के लिए जायज थी, उसी रिश्ते उसी मोहब्बत को नाजायज मानता था उल्लास का दोस्त रवि। उल्लास तू समझ क्यों नहीं रहा है, उर्मिला पप्पू की बीवी है। है या नहीं थी, और पप्पू के मरने के बाद उसकी गैंग के साथ साथ उसकी हर चीज पे उल्लास का हक है। यार ये सब दुनिया के सामने अच्छा लगता है क्या? ए दुनिया, अपन लोग की दुनिया, इधर ना अच्छाई से काम चलता है ना सच्चाई से। अपन लोग गाली खाकर जीता है और गोली खाकर मरता है, और इस छोटे से डिस्टेंस में अगर उल्लास प्यार कर लेगा तो तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा एड़े। जुनून हवस और जुर्म की इस कहानी में एक अहम अल्फाज और है, फर्ज। यानी PSI तिलक नाम्बियार अपनी ड्यूटी के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड, चीते की फुर्ती, जनता का रहनुमा और गैंगस्टर के लिए खौफ का दूसरा नाम। पाशा ने हमारे आदमियों को काट डाला, हमने उसके मुंडीब को टोक दिया, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर बापट, बदले के खेल में कभी हिसाब बराबर नहीं होता। चलो या सिर्फ कानून का हिसाब चलता है, सिर्फ कानून का। सर, पाशा के अकाउंटेंट की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। सपना, मुझे पाशा की मुनीम का जिंदा पोस्टमार्टम करना था, पर इन दोनों की गोलियों ने पाशा कंपनी के सारे राज छलनी कर दिया। सब पाशा की हिस्ट्री है, वो खून का जवाब कत्लेआम से देता है। जानता हूँ, और मेरा इंट्यूशन भी यही कहता कि इन दोनों पर अटैक होगा, शायद बहुत जल्द होगा। गैंगस्टर को ट्रैक करना तिलक नाम्बियार की सबसे बड़ी खूबी थी। उल्लास रवि का सामना PS नाम्बियार से उस वक्त हुआ जब एक राइवल गैंग ने पाशा के खास अकाउंटेंट को मरवा डाला। उल्लास, पाशा भाई का संदेशा दूर दूर तक पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा रवि, पाशा भाई का संदेशा बहुत दूर तक पहुंचेगा। तो शहर छोड़ के ना भागने पाए। सारे रेलवे स्टेशन, सारे बस स्टॉप सील कर दो, हाईवे पेट्रोल को खबर भेजो और मीडिया को अलर्ट कर दो। ये दोनों आजाद नहीं घूम सकते, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं घूम सकते। अंडरवर्ल्ड डॉन पाशा कभी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, और PSI नाम्बियार अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स को। कैसा होगा ये दोस्ती, मोहब्बत और भरोसे का एनकाउंटर? एक जरूरी सूचना, आज बंबई के सरकारी अस्पताल में हुए गैंगवार शूटआउट के दो संदिग्ध को पुलिस तलाश रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दोनों बंबई शहर में ही कहीं छुपे हुए हैं। मेरा हीरो,
चिंगम धमाल किया रे अपुन, धमाल किया है। पाशा। पाशा भाई सलाम। ये टीयर गैस वाला आइडिया अच्छा था तेरा। टीयर गैस भाई वो अपना उर्मिला है ना, अपना गर्लफ्रेंड, उसका आइडिया था भाई। उल्लास, खूबसूरती चार दिन की होती है और अकल जिंदगी भर के लिए। ये लड़की हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसे संभाल कर रखना और अपने धंधे पर लगा लो। और हाँ, उस इंस्पेक्टर से ध्यान से रखो, तुम लोग संभाल कर रखो। पाशा भाई आपके लिए अपन लोग कुछ भी करेगा। 5 मिनट में गाड़ी आ रही है, बाकी बातें बाद में। ठीक है भाई। पाशा भाई तेरे को गैंग में शामिल कर रहा है चिंगम। क्या? तेरा पति पप्पू कभी तेरा इतना इज्जत किया? आज तक नहीं किया, अपुन करता है। सपना सबके छुट्टियां कैंसिल कर दो, मुझे हर आदमी ड्यूटी पर चाहिए। इस शहर में बहुत जल्द बड़ी तबाही मचने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सब। जॉइंट सर। और उस तबाही का नाम है इंस्पेक्टर तिलक नामबियार। I'm sorry, sir. पाशा के अकाउंटेंट को ट्रेस करने में महीनों गए और तुमने क्या किया, उसे मरने दिया और फिर उसी के हत्यारे तुम्हारी गोदी में मारे जाते। I'm sorry, sir. मैं इन दोनों केसेस की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और मेरी जिम्मेदारी क्या कहती तुम्हें पता है? मेरी जिम्मेदारी कहती है कि या तो मैं तुम्हें सस्पेंड करूं या फिर ट्रांसफर। चॉइस इज योर्स। सर मेरा बस एक ही चॉइस, मेरी ड्यूटी जो मैं बिना किसी से डरे करता हूं। ड्यूटी के जुनून में तुम्हें यह हक नहीं कि हर पोस्टिंग पर तुम अपने सीनियर्स के लिए सरदर्द बन जाओ, समझे? सर मेरा सरदर्द तब खत्म होगा जब मैं पूरे देश से अंडरवर्ल्ड का खात्मा कर दूंगा। फिलहाल तो अपना सर संभालो ऑफिसर, एक और गलती करोगे तो उसे मैं हमेशा के लिए सुधार दूंगा, समझे? सर पाशा के उन दो शूटर्स को पकड़ना मेरा मकसद है। अगर आपको लगता है वो गलती है तो गलती सही, आप जो सजा देना चाहें मुझे दे सकते हैं, मुझे कबूल होगी। Sorry to say this, sir, but मानी सर शायद कुछ ज्यादा कह गए, ज्यादती थी सर। सपना, दबाव में ज्यादती मेरा असर नहीं लगती है। उनके सीनियर्स उन पर दबाव डाल रहे हैं, वो हम पर और हम क्रिमिनल्स पर दबाव डालेंगे। तो मैं काम करूं, सभी खबरें को एक्टिवेट कर दो और इन दोनों शूटर्स की सारी इंफॉर्मेशन लाकर मुझे दो, इससे पहले कि ये मुंबई से बहुत दूर हो जाए। इसको देख, इधर पकड़ते, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़, इधर। उल्हास, ये बंदूक के खेल से ना मैं बोर हो गई हूँ। उर्मिला तू अभी एक गैंगस्टर है और असली गैंगस्टर लोग बंदूक से बोर नहीं होते। अच्छा, पर असली गैंगस्टर असली बंदूक भी चलाते हैं? तो मैं चलवाएगा ना तेरे से असली बंदूक, लाश चलवाएगा तेरे से, समझी? तू तो हमेशा रवि के साथ रहता है, मेरी सौतन। अरे आदमी बुरा नहीं है रे वो, ये क्या बोलते हैं, ये दीन धर्म के चक्कर में मगज खराब हो गया उसका। अरे अरे ए चिंगम, अरे घर है मेरा, ए छोड़, ए छोड़, ए एड़ी, ये लगेगा किसी को। हेलो। अरे छोड़। पाशा। हाँ भाई, मैं रवि। कल सुबह 8:30 बजे शिवगढ़ नाके से एक कार निकलेगी, कार का नंबर है MMB 1459। ओके भाई। किशोर माने नाम का एक आदमी बैठा होगा उसमें, उसे खत्म कर दो और हाँ, अपने गैंग का नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाएगा। तुम लोगों का ये रोमांस वोमांस खत्म हो गया तो कुछ काम करें। पाशा भाई का फोन आया था। तो मैं तेरे को मना किया क्या? क्या बोल रहा था पाशा भाई? उल्लास, शायद तू भूल गया कि काम की बात सिर्फ हम दोनों के बीच में होती है। अभी मैं और उर्मिला एक है और जो भी बात होएगा इधर हम सबके सामने होएगा। कार नंबर MMB 1459 कल शिवगढ़ पहुंचेगी, एक आदमी को उड़ाना है।
और अपने पास सिर्फ एक चांस है, सिर्फ एक। मैं मारूंगी तो मर जाएगा। बंदूक नीचे रख और अपनी औकात में रह। क्या है मेरी औकात? किसी की बीवी या रखेल बनना? उल्लास, अपनी औरत को लगाम दे। अपनी जबान को लगाम दे रवि। घोड़ा इसके हाथ में है और तू मुझे लगाम रखने को कह रहा है? इसके हाथ में लगाम भी दूंगा। मेरा प्यार होने के साथ साथ चमकती हुई तलवार है ये। उल्लास, ये काम तो हम दोनों ही कर लेंगे। उल्लास, पाशा भाई ने ये काम हम दोनों को दिया है। ठीक है, तो फिर हम तीनों इस काम का मजा लेते हैं। खून करने में कोई मजा नहीं आता उर्मिला। जिस आदमी को अपने काम में मजा नहीं आता वो प्यार में मजा नहीं दे सकता। और मुझे और उल्लास को बहुत मजे लूटने हैं। सच कह रही है मेरी चिंगम। इस सड़े हुए रवि को जिस दिन प्यार हो जाएगा ना, इसके भेजे में भी सारी की सारी बात घुस जाएगी। इस वक्त मैं इतना समझता हूँ कि इंस्पेक्टर तिलक को हम पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है और उसके प्यार की ताकत हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तू काम पे ध्यान दे। यही तो है उल्लास, और ये भी आता था इसके साथ, बड़ा ही खड़ू सकड़ू है। हॉस्पिटल में जिन दो शूटर्स ने टियर गैस फेंकी थी, मैंने उनके चेहरे देखे थे। ये दोनों वही थे, रवि और उल्लास। और सर, हमारे खबरियों का कहना है कि उस शूटआउट के बाद इन दोनों को पूरे मुंबई में कहीं नहीं देखा गया। हो सकता है कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर चले गए। सपना, पप्पू की विधवा का क्या हुआ? सर, घर पे ताला है। सपना, अगर लोग मुंबई से बाहर है तो मुझे लगता है कि आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में खबर कर देनी चाहिए। इन दोनों की तस्वीरें सभी पुलिस स्टेशन में पैक्स कर दो, ओके? ये लोग मुंबई से जितना भी दूर रहे, लौट के तो मुंबई ही आएंगे, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड का गढ़ है। पूरा गोवा छान मारो, रवि और उल्लास बचने नहीं चाहिए। इन दोनों के साथ एक औरत भी हो सकती है, नाम है उर्मिला। अगर आपको इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप हमें सबसे पहले खबर करेंगे। आई रिपीट, खुद अरेस्ट करने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इनको 1000 किलोमीटर के दायरे में ढूंढेंगे। मैं जानता हूं कि 3 स्टेट्स की पुलिस हमारा साथ दे रही, लेकिन हमें हर पल चौकन्ना रहना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि इन तीनों में से कोई एक कम से कम एक गलती करे। आ गई गाड़ी, ठोक देते हैं साले को। चल उल्लास, पता है ना पाशा भाई ने क्या बोला था? हाँ रे। अपना नाम नहीं आना चाहिए और उस तिलक से दूर रहने का। पता है रे। उफ रवि, वो तिलक कितना दूर बैठा है और तू यहाँ पत्ते की तरह कांप रहा है। एक बात बता, तेरे को शूटर बनाया किसने था? उल्लास, मैं तुझसे बात कर लेना, तू ये बीच में क्यों बोल रही है? अपन लोग बहुत बात करें दूर रवि, अब काम करते। अभी तू अपना कर और मैं अपना, चल अभी। जिंदा अभी? मैंने अभी तक किसी को बंदूक से मरते हुए नहीं देखा। तो अब देख ले जान, बता किधर ठोकूं? उल्लास, टाइम खोटी मत कर, ठोक दे उसको। अगर मैं इसे मारूं तो किसी को एतराज तो नहीं होगा? दिमाग की दही मत कर, जाकर गाड़ी में बैठ। ए तू चुप कर रे, ए तू ठोक रे उसको, बार बार रोकता है उसको, ए मारे उसको। अपना बंदूक का नशा पूरा कर।
इस नशे का किक कुछ और है उल्लास, मुझे और चाहिए। ए, दिलाएगा ना, मैं और दिलाएगा। चल चल अभी चलते हैं, चल चल ना। अरे चलो पुलिस आ रही है। ए, उल्लास। अरे चल ना यार। ए, निकल इधर से। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, तुम्हारा ट्रांसफर सैंक्शन हो चुका है मिस्टर तिलक, तुम एक हफ्ते में ये पोस्ट छोड़ रहे हो। सर मैंने आज तक अपने ट्रांसफर या पोस्टिंग को क्वेश्चन नहीं किया, सर तीन स्टेट्स की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है, हम लोग क्लोज इन हो ही रहे हैं सर अभी और लास्ट पर, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। लास्ट चांस मिलने के बाद कोई आखिरी चांस नहीं मिलता तिलक, और पता है मेरे सीनियर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं तिलक वो बिल्ली है जिसकी 9 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। पर सर क्राइम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि हमारे सीनियर्स इस बात को गिनने में बिजी हैं कि हमारे ऑफिसर्स को कितने मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है हमारे देश में जुर्म इतना बढ़ गया है कि मैं जिस भी जगह जाऊंगा जिस भी पुलिस स्टेशन में खाली कभी नहीं बैठूंगा। क्यों, वहां पर भी मौके तलाशोगे? सब मौके वही मांगते हैं जो कोशिश करते हैं, और कोशिश अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। दिल बहलाने के लिए हार को जीत मानने से झूठ सच नहीं हो जाता तिलक, और सच यह है कि तुम आज तक पाशा का बाल भी बाका नहीं कर पाए हो। सर एक हफ्ता भी बाकी है, और मेरी तकदीर ने मुझसे मेरी उम्मीद कभी नहीं छीनी, अब जो करना मैं इसे एक हफ्ते में करके दिखाऊंगा। प्रूव इट। जय हिंद सर। हेलो सर, मैं पुनः पुणे चौकी से बोल रहा हूँ। शिवगढ़ हाईवे जंक्शन पर दो आदमी और एक लेडी ने मिलकर किशोर काले नाम के आदमी का मर्डर कर दिया है। किशोर काले, ये तो वही बिजनेसमैन है जिसने पाशु को एक्सट्रॉशन मनी देने से मना कर दिया था। हाँ सर। ऑफिसर मुझे लगता है तीनों वही हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, और मेरा अंदाजा है कि ये शिवगढ़ से पुणे गए होंगे। हम अभी पुणे आ रहे हैं, सबको अलर्ट कर दो इससे पहले कि तीनों लाशों का ढेर बिछा दे। हमें इन तीनों को रोकना पड़ेगा, किसी भी हालात में रोकना पड़ेगा। सब पहली बार देखा मैं चिंगमा कि पहला मर्डर करते हुए तेरा हाथ नहीं कांपा, कमाल है यार तू। और पहली बार आज मुझे किसी ने इतना जलील किया और तूने चू तक नहीं बोली। वो रवि एड़ा है रे वो, तेरे को सच्ची बोलूं उसकी फट गई थी, वहां से ना एकदम हड़बड़ा गया था वो। अब तेरे जैसा औरत देखा नहीं ना पहले कभी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। किस चीज की आदत उल्लास, उसकी मुझे जलील करने की आदत या तेरी मुझे जलील होते हुए देखने की आदत? कितना कुछ बोल गया वो मुझे, तूने उसे कुछ भी नहीं बोला ना। ए? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की, पता कितना बुरा लगा मुझे। ए चिंगम, ए तू रो रही है, एड़ी हो गई है क्या, रोता है कोई? रो मत अभी, तेरे को इतना बुरा लगा ना, अपन आज ही बात करेगा उससे। रोते नहीं रहे, बात नहीं करना, खामोश कर देना हमेशा के लिए। एड़ी हो गई है क्या, दोस्त है मेरा, जोड़ीदार है अपना, वो कुछ भी दोस्त तो पप्पू भी था, मार दिया ना उसे मेरे लिए, तो फिर रवि क्या चीज है? ए तू एड़ी हो गई है क्या, ये पप्पू के ये दुश्मन गैंग का लोग मारा था। पप्पू को प्यार ने मार डाला, उस प्यार ने जो मुझे पागल कर देता है, एक ऐसे मर्द का प्यार जो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मार डाल उसे, मेरे लिए अब तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है उल्लास। चिंगम,
तुझसे भी बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। मैं भी तुझे बटा हुआ नहीं देख सकती, और बटा हुआ तो कमजोर भी। रवि तेरे काम और हमारे प्यार दोनों में कांटा बना हुआ है, निकाल दे उसको, फिर देख मैं तेरी जिंदगी में क्या भर देती। भाई अपने को निकलना पड़ेगा, पुलिस को अपने बारे में मालूम पड़ गया है, 5 मिनट में गाड़ी आ रही है अपने को लेने के लिए। उर्मिला अपन देखो गाली दिया उसके लिए सॉरी, उल्लास का प्यार है और उल्लास अपने भाई जैसा है। अगर तू मेरा सगा खून भी होता ना तब भी तेरा खून बहता रवि, तूने मेरे प्यार के आंसू बहाए हैं और आंसू का बदला खून होता है। मुझे कोई कुतिया नहीं कहता। पप्पू को मेरा प्यार देना और उसके खास दोस्त उल्हास का भी। रवि मोगरे, पाशा गैंग का नाम चीन शूटर, और इसका साथी उल्लास अपनी औरत के साथ फरार है। वो औरत थोड़ी अजीब थी सर, जिस तरह से उसने पुलिस पे गोली चलाई उससे लगा या तो वो मेंटल थी या बहुत पहुंची हुई चीज थी। मेंटल नहीं, बहुत पहुंची हुई चीज है, और मुझे लगता है कि ज्यादा देर चुप नहीं रहेगी। ले चिंगम। बासी खबर में क्या फायदा, खबर तो बनाने में मजा आता है। ये देख नक्शा। इरादा क्या है तेरा? ये तेरे प्यार का इम्तिहान है, प्यार की गहराई का। हुक्म कर मेरे आका, क्या चाहिए? मलिका उर्मिला को एक कार चाहिए। मिलेगी ना? ये हुई ना बात। जब तू मेरे लिए ऐसा पागलपन करता है ना, बहुत प्यार आता है तुझ पे। लेकिन आज तेरे को इस गाड़ी पे इतना प्यार क्यों आ रहा? क्योंकि ये गाड़ी हमारे प्यार को पार कराएगी, हमें अमीर और फेमस दोनों बनाएगी। तू है ना मेरे साथ? ये बस क्या, तेरे लिए तो कुछ भी और कहीं भी। चले सेकंड में कितना पैसा चुरा पाएंगे? इतना कि 3 साल आराम से निकल जाएंगे। कम चुराएंगे। क्यों? आराम से जिंदगी जीना बोरिंग लगता है, मजा तो चुराने में है। खत्म हो जाएगा तो और चुरा लेंगे। चल तेरे को मजा दिलाता हूं। जो डर गया वो बच गया, और जो हीरो बनेगा ना पक्का मरेगा। तुम में से किसी ने भी शाड़ा बनने की कोशिश की, एक भी आदमी, तो वो अकेला नहीं मरेगा, अपन सबको मार देंगे। क्यों रे चिकनी, भूख लगी है? मेरे मर को खाएगी? हाँ बदहजमी की गोली दो। चिंगम दो क्या? चिंगम चल, अरे मस्ती कर रहा था चिंगम। चलो रे पीछे सब। देखती हूँ अब वो दिल आपका बच्चा हमें कैसे रोकेगा। आपके फैक्स मशीन में जो उल्लास था वो उस औरत के साथ था सर, और हमने हवे सील कर दिया है। मैं गवाह रहा हूँ अभी।
ना चिंगम कि तू भी मुझे बटी हुई पसंद नहीं है, याद है ना? तेरी इसी अदा पे मैं फिदा हूँ मेरे खूनी सुपरमैन। ऑलराइट, मेरे फोन का इंतजार करो सपना, मैं आपको और चेक करो इस रेस्टोरेंट के आसपास के इलाके कौन से। ये श्रीवर्धन है, तरकरली है और मालवन है। मालवन, ये जोड़ा मालवन जाएगा। वहाँ एक अमीर जोड़ी है जो तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है इस रेस्टोरेंट से। ऑफिसर, सिक्योर मालवन हाईवे। आई रिपीट, सिक्योर मालवन हाईवे। पाशा को फोन कर। एड़ी होगी है क्या? अब पता चला। सुन, पाशा को फोन कर और उसे बोल कि रवि का खून तूने नहीं किया। पर वो मेरी बात पे यकीन क्यों करेगा? पप्पू को दुश्मनों ने मारा, इस बात पे भी उसने विश्वास किया ना? उसको फोन कर और मदद मांग। हे चिंगम, सुनना, अभी ना अपन ये सब छोड़ते है। देख देख ना कितना माल है अपन लोग के पास, सब छोड़ के कहीं सेटल होते रहे। मेरा सबसे पहले रिश्ता ना एक बैंक वाले के साथ था, बिल्कुल तेरी तरह बात करता था, अमोल पालेकर जैसा। आइंदा से ऐसी बात की ना तो पाशा से पहले तुझे मैं मार डालूंगी। जा फोन कर। गोलियां तो ऐसे चला रहे हैं सर जैसे जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं। सर सर, मालवन कासिल रोड से खबर आई है कि एक ज्वेलरी शॉप को लूट लिया गया है सर। कोई दो लोग थे, एक आदमी और एक औरत, बस ऐसे गोलियां चला रहे हैं सर। Damn it! मैं सही था। पूरे एरिया को सील कर दो, हाईवेज, एग्जिट पॉइंट्स और खासकर पेट्रोल पंप। राइट सर। आसपास के सभी पेट्रोल पंप पर इनकी खबर पहुंचा दो, ये तो किसी भी हाल में बच कर निकल ना पाए। सपना, एक काम करो, मालवन के सभी लोकल प्रेस रिपोर्टर्स को कॉन्टैक्ट करो और इन्हें कहो अखबार और टीवी के जरिए मालवन के हर घर में खबर पहुंचा दें कि उल्लास और उर्मिला उनके इलाके में है। अब इन दोनों को अपने बिल से निकालना ही पड़ेगा। वेलकम टू नंदन ग्रीन्स होटल सर, कौन सा रूम लेना पसंद करेंगे आप, सिंगल, डबल या ड्यूप्लेक्स? कोई भी, जो तेरे को पसंद हो। दो आदमी है, सिंगल रूम और सिंगल बेड, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो बता, हम चलते हैं यहाँ से। एक मिनट मैम, एक रूम है, मैं चेक कर लेती हूँ क्लीन है कि। जा जल्दी देख। तेरे को बात करने की तमीज नहीं है क्या? तमीज वो भी तू सिखाएगा। तेरे से बात करना ना मगज की दही करना होता। एक्सक्यूज मी, आपके रूम की की। क्या मस्त नाम है तेरा, शमा। अपुन की लाइफ भी रोशन करना, बहुत अंधेरा है माँ कसम, रानी बना के रखेगा मैं तेरे को, ऐश करेगी। चलना, ड्यूटी कितने बजे तक खत्म? खाना भी यहीं खाएगा क्या? लड़की देखने की शुरू हो गया। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास कर रही हूँ? अब मेरा प्यार बकवास लगता है तुझे? एक काम करते हैं, जाके ना उसके पूरे परिवार को मार देते हैं, जैसे तूने पप्पू को मारा था, फिर वो पूरी की पूरी तेरी, जैसे मेरे लूटे थे। चल चल, एक देगा ना तेरे को दिमाग तेरा। साला, नहीं रह सकती तेरे बिना, जानता है ना तू? पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे, बहुत प्यार। अच्छा अभी रो मत, चल चल ना। मैं वहीं रुक गया, इसर झुक गया, वो आगे फ्रेश होने जा रही हूँ, आएगा जाना, चल ना। सोच रहा है कुछ रे, जाना जा भाई, चलो। मैं बोला कहाँ, वो बोली वहाँ, जहाँ दिल मिले जरा गुल खिले। पुलिस डिपार्टमेंट ने इन लोगों की पहचान उर्मिला और उल्हास बताई है और इस खूनी जोड़ी के पास एक चुराई हुई कार भी है।
इस कार का नंबर है MM547758। अगर इस खूनी जोड़ी के बारे में किसी को कोई भी खबर हो तो आप इस नंबर पर फोन करें। हमारा नंबर है 06544। मालवन पुलिस स्टेशन। आप जिस उल्हास को ढूंढ रहे हैं वो अभी अभी नंदन ग्रीन्स होटल से निकला है, बहुत दूर नहीं गया होगा। आप कौन? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया हमारा ट्रैकिंग हो रहा है। इस बार ये उर्मिला और उल्हास बच के निकल लेने चाहिए किसी भी हाल में। सर, वायरलेस पे अभी अभी मैसेज आया है कि एक औरत ने इन्फॉर्म किया है कि उल्हास नंदन ग्रीन होटल से निकल चुका है। औरत? इतनी रात गए सर? शायद उल्लास ने उसको भी धोखा दिया। सर, हो सकता है वो दोनों अभी तक वहीं हों। तुम सही करो, तुम एक काम करो, तुम जाओ और उर्मिला को ताबे मिलो फट से। राइट सर। या चलो। हम एक काम करते हैं, बाकी के एरिया हम कवर करते हैं। 10 मिनट में ज्यादा दूर नहीं किया उल्लास, पकड़ लेते हैं साले को। लेट्स गो। एक मिनट, उल्लास कहीं नहीं गया है, वापस होटल ही लौट रहा है। आपको कैसा पता सर? कॉमन सेंस की बात है, सुबह से ये दोनों एक ही गाड़ी में कांट पे कांट किए जा रहे हैं, किसी पेट्रोल पंप में नजर भी नहीं है। इसका मतलब है कि सर उनका पेट्रोल लो होगा या फिर खत्म हो गया होगा। और देखो, इस रेस्टोरेंट के आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि उल्लास के पास कोई चॉइस नहीं है सिर्फ इस होटल में लौटने के अलावा। वापस वहीं पर आएगा, वहां से गाड़ी लेगा और फिर कहीं आगे जाएगा। वहीं चलते हैं, धर लेते हैं साले। और मैं मान जाऊंगी, सरेंडर किया नहीं जाता, करवाया जाता है। चिंगम, क्या हो रहा है तेरे को? चिंगम, ए रुक रे, चिंगम ए रुकना। देख, अगर तू गई ना, इस अखा दुनिया को आग लगा देगा, मैं जला देगा सब कुछ। अरे तू जो बोलेगी मैं करेगा ना चिंगम। हे बस क्या तेरी इसी अदा पे विदा।
किसी ने सच कहा है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का दिमाग होता है, लेकिन उर्मिला उल्लास से इस कदर खेलती रही कि उसने ना सिर्फ उल्लास की जान खतरे में डाल दी बल्कि खुद अपने ही बुने खेल में उलझ के रह गई और नतीजा दोनों की मौत। उल्लास और उर्मिला का एक दूसरे के लिए हवस का जुनून इस कदर हावी था कि दुनिया उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती थी। सच है, ये जुनून इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। उर्मिला और उल्लास के हवस के जुनून की कीमत पप्पू और रवि को चुकानी पड़ी और फिर जुर्म करने का जुनून दोनों को हमेशा के लिए मौत की आगोश में ले गया। और इसके ठीक दूसरी तरफ दूसरा जुनून तिलक नामवियार, जो किसी भी कीमत पर इन भगोड़ों को भागने का मौका नहीं देना चाहता था। क्या मुंबई, क्या मालवन, ऐसे जुनूनी पुलिस वालों के लिए फासलों की अहमियत नहीं होती, अहमियत होती है मंजिलों की। कैसे भी दिन रात जुटकर मुजरिम जहां भी हो उसे ढूंढकर पकड़ना ही इनका पहला मकसद होता है। किसी ने सही कहा है कि किसी के काम की परख इस बात से नहीं की जा सकती कि उसकी सारी तैयारी काम को सही करने की है या नहीं है, बल्कि इस बात से की जाती है कि सब कुछ गलत हो जाने के बाद भी वो उस काम को कैसे बखूबी अंजाम देता है। अंडरवर्ल्ड भले ही शार्प शूटर्स और अपने गुर्गों की तादाद बढ़ाता रहे, लेकिन मुंबई पुलिस उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार थी और हमेशा रहेगी उसी हथियार से, इसका नाम है एनकाउंटर। मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।